हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट। दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की टीवी शोज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, टीवी शोज के ऊपर सीरीज लाओ, तो इसके ऊपर तकरीबन अगर मैं ऐसे बात करूं तो बहुत लंबी सीरीज बनती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इसके ऊपर बात करूं तो तकरीबन 8 से 10 वीडियो लग जाएगी मुझे, 20 से 25 मिनट। क्योंकि दोस्तों, सब टीवी शो अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके ऑनर डिफरेंट होते हैं, उसके अंदर कंटेंट दूसरा होता है, उसके हिसाब से सबकी एडिटिंग अलग होती है और अलग अलग फेसेस की एडिटिंग होती है। तो एक ही वीडियो में बताऊं तो पता नहीं कितने घंटों की हो जाएगी। उससे बेटर है मैंने सोचा कि क्लिप बाय क्लिप बनाऊं। इस वीडियो में सिंपली से इंट्रो देने वाला हूं कि कितना पोटेंशियल है, किस टाइप के कंटेंट आप शो के तौर पे टीवी शो ड्रामा चला सकते हो, उसके अलावा उनसे आप क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो, किस चीज में यूज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे व्यूवर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेज बाय कर ले रहे हैं, मोनेटाइज पेज 8-10,000, 12,000, 15,000, 20,000 जितने तक का महंगा से महंगा पेज वो बाय कर ले रहे हैं, बट उनको यही नहीं पता कंटेंट क्या डालना। वो यही सीखते आ रहे हैं शो ड्रामा ये वो डाल दो, फिर क्या होता है वो एडिटिंग नहीं कर पाते, सही से सीख नहीं पाते उस चीज को, और वो वहां अपलोड कर देते हैं, वहां उनको आती है स्ट्राइक और मोनेटाइज पेज खत्म, कहानी खत्म। तो इसका बेटर सोल्यूशन ये ना भाई, पहले आप सीखो, इस चीज को परखो, देखो ये कैसे वर्क होता है। जल्दबाजी में ये काम नहीं होता, ये एक दिन के अंदर नहीं होगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। मैंने भी एक दिन में अचीवमेंट नहीं लिया, बहुत मेरे पेजेस ऐसे हैं जिनके अंदर आई थिंक 9-9 महीने पहले वीडियो अपलोड करी थी और आज भी वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई उसके अंदर, और अभी भी पेचे पड़ी हुई है वीडियो। तो ये सब एक दिमाग का खेल होता है, कहाँ से सोच लेना है, किस कौन सा सोच लेना है, वो बहुत डिफाइंडेड चीज़ है। वैसे दोस्तों, अगर आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देख लिया तो आप भी समझ जाएंगे किस टाइप के शो पे वर्क करना चाहिए, और लगभग मैं एक एडिटिंग भी मैं छोटी सी दिखा दूंगा इसके अंदर। वैसे जब नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर फिर अलग अलग सीरीज के हिसाब से मैं एडिटिंग बताऊंगा, यहाँ सिर्फ इंट्रो और डाउनलोडिंग क्विक शॉर्ट्स में एडिटिंग देख लो। और साथ ही साथ आप अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखते हैं टीवी शोज पे कैसे काम होता है। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे टीवी शोज। दोस्तों, टीवी शोज उतना भी इजी नहीं है जितना आप समझते हैं, पहली चीज बता दूं। और हाँ, अभी के टाइम में दोस्तों मेरे चैनल के अंदर पेड कोर्स चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही डिफरेंट कोर्स है मार्केट से, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्लासेस होगी और सबसे ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने में मुझे इतना टाइम लगा। तो एक बार जाके इस वीडियो को देख लेना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनरोल कर सकते हो। बहुत मिनिमम फीस रखी है मैंने इंडियन रुपीज़ के अंदर, ठीक है, इंडिया का कोई भाई इसको कर सकता है, अदरवाइज किसी भी कंट्री का हो तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको आई बटन में भी दे दूंगा, चैनल के अंदर भी जाके देख लेना, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। पहले पूरा वीडियो देख लेना क्या क्या है यहाँ पे। अब बारी आती है इस टॉपिक की जिसके ऊपर हम बात करने वाले, ये है टीवी शोज। यहाँ आप देख ले कि 2022 31 जनवरी और भी वीडियोज़ यहाँ पे, दुनिया भर की टीवी शोज। अब यहाँ पे देख ले कि वीडियो पड़ी है यहाँ पे, जो कि बहुत पुरानी वीडियो है टीवी शोज की। अभी कहोगे कितनी पुरानी, तो 1 जनवरी 2022 को लगाई थी, अच्छी खासी चली है, 8-8 हज़ार लाइक है इसके अंदर, और आज भी ये मेरे पेज पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो बारी आती है ये ऐसा कैसे कर लेते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है नॉलेज, और उसके बाद आती है एडिटिंग और उसकी स्किल से। देख लो, आज 5 अक्टूबर है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और ये वीडियो 1 जनवरी की, तब देख सकते हो कितना पुराना पेज पे अभी भी पड़ा हुआ है, और कोई स्ट्राइक नहीं, कुछ नहीं, पेज क्वालिटी से लेकर सब कुछ ग्रीन है, एक्चुअली प्रोफाइल पेज में बना हुआ है, तो फिर ज़्यादा सेटिंग्स खोलूँगा नहीं। हाँ, अब बारी आती है कि कैसे वर्क करता है। तो ये उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि हम किसी की एक वीडियो देख करके और ये सीख जा और ये करने लगे। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले ही ये बता दूँ आपको कि ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ी सी एडिटिंग स्किल आपकी बेटर होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आती है इसकी फाइंडिंग की, कोई ऐसी वेबसाइट उठाए जहाँ ये आपको मिल जाए। तो एक्चुअली मैं जो वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम में इसको लेने के लिए, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ मूवीज़ फॉर यू, यहाँ मेरे को ये सारी चीज़ें मिल जा रही है। तो यहाँ से एक बार मैं वेबसाइट खोल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे डाउनलोड कैसे होगा। आप जब इसके अंदर आएंगे दुनिया भर की मूवीज़ वगैरह होगी, हाँ जब कोर्स के अंदर मूवीज़ क्लासेस होगी तब बताऊँगा इन साइडों की मूवीज़ कैसे मतलब यूज़ करते हैं। तो जैसे कि पहले पेज से मुझे नहीं मिला था, बिग बॉस का भी देखो यहाँ पे चल रहा है, बिग बॉस को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे वॉच टाइम के तौर पे, बहुत ज़्यादा चलती है बिग बॉस की चीज़ें। और मैं अभी सिंगिंग छोड़ के अब इसके तरफ भी शिफ्ट हो रहा हूँ कि बिग बॉस पे काम करूँगा। फिलहाल ये मैं कपिल शर्मा शो दिखा दे रहा हूँ जो कि आप लोग का फेवरेट है, इस पे काम करना चाहते हो, और लोग मरते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक 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 करते करते, अब बहुत ज़्यादा चलती भी है।
अब यहाँ देखिए ये सीज़न 4 चल रहा है, यहाँ पे मिल जाएगा जो भी सीज़न अक्टूबर के इसके अंदर चल रहा है वो सारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जितने भी मतलब सीज़न उजन चले हैं देखो ये सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इनमें से कोई भी डाउनलोड कर रहा हूँ, कितने MB का करना है, कितनी क्वालिटी में, डाउनलोड लिंक पे क्लिक करेंगे आपको एक अलग वेबसाइट ले जाएगी। मैं एक्चुअली सारा ही प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ यार, बाद में फिर इसकी एडवांस एडिटिंग वगैरह बताऊंगा, फिर वहाँ कहूँगा डाउनलोड कर लो तो फिर कहोगे उठानी कहाँ से है, तुम्हें डाउनलोड करना नहीं बता, तो भाई सीरीज भाई आती है तो देखो ना इसको ठीक से यार। यहाँ क्लिक टू वेरीफाइड किया और यहाँ भी ये वेबसाइट चलेगी, यहाँ से हमको इसको भी डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, जनरेट लिंक पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक ऑप्शन और आएगा यहाँ पे डाउनलोड का। अब चलते हैं इसके ऊपर, तो अब ये क्या है कि हम एक न्यू वेबसाइट पे प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे 3-4 चीज़ें, यहाँ इस पर राइट क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ऐड वेड खुलेगा, तो राइट क्लिक किया यहाँ खुल गया, यहाँ पे जनरेट लिंक पे क्लिक करेंगे एक ऐड आएगा दोबारा से फिर से खुलेगा, और ये ऐड जो होगा इसको हम बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन आएगा, एक बार फिर से क्लिक करेंगे, अगर रीडायरेक्ट होगा थोड़ा सा वेट करेंगे और नहीं खुला तो एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें मैंने फिर से क्लिक कर दिया, देखिए ये लिंक आ गया यहाँ पे 1.3 GB का, इसको हम चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसे लगा देंगे देखो कुछ मिनट में डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो ये तो मैं आपके लिए दिखा रहा था कि ये मिलता कहाँ से है। तो इन साइडों से आपको उठा लेनी है चीज़ें। अब बारी आती है इनकी एडिटिंग की, सारा पंगा इसकी एडिटिंग में फंसता है, एडिटिंग कैसे होती है, अलग अलग फेसेस की एडिटिंग होती है, कैसे मेरे पेजेस पे ये बहुत बहुत टाइम तक पड़ी थी, अब जो अभी देखा पेजेस के अंदर, तो ये यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे वंडरसेल फिल्मोरा। फिल्मोरा आपको पता ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास होगा, यूज़ करते होंगे, तो मैं वो वीडियो ले लेता हूँ पहले। तो यहाँ मैंने इसके अंदर ये ले लिया, अब मुझे सबसे पहले इसके अंदर देखनी पड़ेगी ये कितने मिनट की है। एक्चुअली मैं जो गाइस यूज़ करता था ना, जो मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँ, तो मैं इसमें हुक वगैरह नहीं लगाता था, वो क्लिप बाय होती है और यहाँ पूरी सोर्स की बात करते हैं। तो अगर मैं इस सोर्स का पूरा ओवरऑल व्यूज़ बताऊँ, जो ओवरऑल ये है, तो ये तकरीबन 1 घंटा 3 मिनट का है। तो इसके अंदर हम करीब 4 से 5 वीडियो हम बना सकते हैं 10 से 12 मिनट की। जैसे कि इस वीडियो को पहले आपको देखना है पूरी तरह से, देखने के बाद आपको समझना है इसके अंदर की चीज़ें कहां से कहां मैनिपुलेट हो रही है। जैसे आप वो समझ जाएंगे तो ही इसकी एडिटिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को देखता हूं और मुझे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से कट करनी है और कहाँ से कहाँ की पार्ट एक क्लिप में लेनी है। तो यार मुझे जो ये लेना था ना इस क्लिप के अंदर, जैसे मैं इस क्लिप की बात करूँ, ये पूरा क्लिप 1 घंटे का था, ठीक है। 1 घंटे के अंदर मैंने 13 मिनट की क्लिप काट ली है। अब या तो देखो, मैंने जैसे कहा कि अलग अलग रेशियो में एडिट होती है, तो इन चीज़ों की मैं रिकमेंड करूँगा 1:1। आप सिनेमैटिक में भी कर सकते हो, तो एस्पेक्ट रेशियो में आ करके 1:1 करके, और दूसरी चीज़ यहाँ पे 90:20 की रेजुलेशन रखनी है। ये कोई नहीं बताता आपको, एक्चुअली में यहाँ पे 90:20 चलती है और FPS 60। ये करने के बाद आप ओके कर दे। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे गैप आ गया है, तो फिर आप क्रॉप के अंदर आकर के और यहाँ से आप 1:1 ले ले और इसको देख ले पूरे में कि भाई ये पूरा फिट हो रहा है या नहीं इसके अंदर। ये देखें, ये प्रॉपर फिट हो रहा है, तो इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए कि अब ये जो फॉर्मेट है ना, वो थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है इसके अंदर। आप चाहे तो मैनुअली भी ऐसे पकड़ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से। अब दूसरी चीज़ सबसे पहले आती है यहाँ पर साउंड, जो ये ग्राफिक की एडिटिंग है ना, थोड़ी सी ऐसे होती है, पहले मैं ग्राफिक ही कर लेता हूँ, बाद में ये सब करूँगा। तो कलर करेक्शन के अंदर आना है और एक ये पकड़ लेना है इस पॉइंट को, मान लो ये पॉइंट पकड़ लिया जहाँ पे ये चेहरा वगैरह दिख रहा है, तो इसकी हम अब कलर ग्रेडिंग करेंगे एज ए फ़ोटो। ये देखो, अभी देखो ये अगर मैं यहाँ से रिवर्ट करूँ तो पहले ऐसे था, अब चमक के हो गया ऐसे। इसके अंदर रेडिश बढ़ाएंगे, थोड़ी सी और कलर ग्रेंड करते हैं और फुटेज को देखते हैं कि हम बढ़िया लग भी रहा है। देखो कपिल शर्मा की पीली शर्ट चमक गई है। यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट वगैरह को आप चाहे तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यही होती है कलर ग्रेंडिंग, ठीक है। आप अपने हिसाब से कलर को देखें कहाँ पे एक्सपोजर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा और कौन सा सही लगेगा। लाइट के अंदर आकर भी इसकी चेंजेस वगैरह करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी वीडियो फुटेज के अंदर, ये सब ज़रूरी होता है एक्चुअली में। व्हाइटिश बढ़ाया तो अब पहले ये ऐसा था और ऐसा हो गया, तो अभी थोड़ा इसमें डिफेक्ट नहीं पता चलेगा। जैसे ये देखें, ये ऐसा था थोड़ा सा, मतलब उतना क्लियर नहीं आ रहा था, बट अब देखिए इसकी लाइट बढ़ गई है इसके अंदर बहुत सारी, तो ये कर देंगे। ये करने के बाद यहाँ पे भी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई है। अब क्या आती है कि साउंड, इसकी जो ये साउंड है ना, इसको पकड़ के ऊपर कर देंगे। इतना भी ऊपर नहीं करना कि ये बहुत ही लाउड लगे और इतना भी लो नहीं रखना कि ये एकदम सुनाई ना दे। तो मैं ये करके उसके बाद चला के सुनता हूँ पहले। तो दोस्तों चेंजेस करने के बाद मेरे को लगा कि मेरा साउंड यहाँ तक ठीक आएगा, तो मैंने इसको यहीं पे ये ड्रॉप कर दिया। उसके बाद इस पर क्लिक करके अब हम इसके साउंड को छेड़ेंगे, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने के बाद ऊपर ऑडियो सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक क्लासिक या रॉक एंड रोल ले करके
कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज 4000 को ऊपर करना है, 8000 को थोड़ा सा और ऊपर, इसको थोड़ा सा ऊपर, 63 को नीचे। अब इसको हम ओके करके इसको सुन के देखेंगे अगेन कि सुनने के बाद हमें कैसा लगता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि वीडियो एडिट करने के बाद सेम वही कस्टम इक्वलाइजर रखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये छेड़ दिया। उसके बाद पिच को मैंने थोड़ी सी यहाँ पे 1 पे रखी है, आप 1/20-30 आप इसके अकॉर्डिंग देख ले, अगर स्ट्राइक पड़ती है तो ये कर ले। मुझे इस वीडियो के अकॉर्डिंग मुझे ये पिच सबसे बेटर लगी, बस सिर्फ मैं फर्स्ट प्रेजेंट में मैं इतना ही एडिट कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इसके अंदर कोई म्यूजिक्स वगैरह नहीं लगाता, मैं ऐसे ही रखूँगा इसको। और इसको देख लेना पूरे के अंदर कहीं गाना वाना तो नहीं है, कोई गाना वगैरह है तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई कॉमेडी के सीन हो स्टार्टिंग में पहले लगा दे, इस तरीके से सिंपली से एक एडिट करके अपलोड करके देखे कि आपके पेजेस पर स्ट्राइक आ रही है या नहीं। और अगर स्ट्राइक आ रही है तो इसके अंदर फिर आपको वही कस्टम स्पीड के यहाँ से पहले यहाँ पे आ करके और यहाँ पे 1.25 कर दे, जैसे मैं इसी के अंदर करके दिखा देता हूँ 25 करके। अब मैं इसको सुन के देखूँगा कि इसके अंदर जो मेरी साउंड पिचेस वगैरह है वो प्रॉपर आ रही है या नहीं। ये एडिटिंग अभी थोड़ी सी और रह गई है, एक दो चीज़ मैं देखता हूँ और ऐड कर सकूँ इसमें। इतनी स्पीड रखने के बाद इसके अंदर जो वाइब्रेंस आई है ना, वो वही वाइब्रेंस है जो मेरी उस वीडियो में थी, जो कि 1 जनवरी को 2022 को लगाई थी। वही वाइब्रेंस, वही क्लियरिटी मिली है। तो इसके अंदर क्या किया मैंने, 25 कर दिया, कस्टम स्पीड की जगह 1.25 कर दिया। इतना चेंजेस करने के बाद ये जो है ना मेरे लिए परफेक्ट हो गया है। ये एक ऐसी क्लिप बनी है जो लंबे समय तक मेरे पेज पर रह सकती है। इसके अंदर साउंड, वाइब्रेंस, ग्राफिक्स सब छेड़ दिया मैंने, जो कि इतनी सिर्फ एक माइनर एडिटिंग के अंदर इतनी सारे चेंजेस आ गए, क्योंकि साउंड को पकड़ना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा। उसके अंदर मैंने इतने वाइब्रेंस लगा दिए कस्टमाइज करके, जो कि साउंड की जो वोकल नोट्स होती है ना उसके अंदर एक वाइब्रेंस आती है, जो कि ओरिजिनल जो राइट म्यूजिक के अंदर साउंड होता है ना वो उसको बम्प्स कर देती है। कुछ तो पिचेस मैच नहीं करती, अब मैच करती है तो उसके अंदर जो पिच होती है वो वाइब्रेंस करती है। इक्वलाइजर कस्टम आ जाए तो साउंड में भी डिफरेंट आ जाएगी थोड़ी सी, तो वो बहुत हद तक यहाँ पे आपको म्यूटेड प्रॉब्लम और कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट बेस में आप इसी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसको सिंपली से एक्सपोर्ट करके अपने पेजेस पे चलाए, एक बार मोटाइज पेज पे ना चलाए, इसको एक रॉ पेज पे डाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दे और ऐसे ही एडिटिंग करते रहे। इससे क्या होगा कि वीडियो का बेस आपका बनेगा। अगर उस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो ही मोटाइज पेज पे चला के उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, ठीक है। आई होप कैसे यूज़ करना समझ गए होंगे। और दोस्तों और कुछ जानना है फेसबुक बारे में और नॉलेज लेनी है या फेसबुक पे काम कैसे करते हैं इसके बारे में प्रॉपर तरीके से सीखना है, तो मेरा एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। इसी महीने की 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, तो बस लिमिटेड सीट है, कुछ ही बची हुई है। तो बस जिसको भाई ज्वाइन होना है वो जाके वीडियो देख ले और कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी, सारे सोर्स एडिटिंग वगैरह। फिलहाल जाके वीडियो देख लेना, आप समझ में आ जाएगा। और दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के कंटेंट कैसे वर्क होते हैं और क्या एडिटिंग वगैरह होती है। तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ ओनली 500 लाइक, बस 500 लाइक कर दो तो इस रेटर और भी क्या क्या एडिटिंग होती है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कई तरह के पेटेंट में एडिटिंग होती है, वो सब मैं बता दूंगा करना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो यार, ताकि फ्यूचर जो भी ऐसी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमेशा अप टू डेट रहे। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।